खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा आसिफ अली जेरी और जवेद अली दक्कर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बाडा के 14 वार्डों में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नायब सदर लाड़काना आसिफ अली जेरी और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जवेद अली दक्कन बाडा ने मीडिया ऑफिस लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बाडा के 14 वार्डों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नायब सदर लाड़काना आसिफ अली जेरी और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जवेद अली दक्कन बाडा ने मीडिया ऑफिस लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बाडा के 14 वार्डों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार टिकट होल्डर मीर सिकंदर अली बरोही 500 के लीड से कामयाब होंगे। मुखालफिन को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। बल्दियाती इंतखाबात में सुरखरू होकर एक शानदार रैली का इनेकाद किया जाएगा। गांव मनचरिया तहसील दीपालपुर जिला उकाड़ा का रहसी अब्दुल मजीद नामी नौजवान वालिद की डांड डपड़ से दिल बर्दाश्त होकर पाक भारत बॉर्डर क्रॉस कर गया। इंडियन फोर्स ने इंडियन पंजाब के शहर जलालाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। सुनते हैं इस नौजवान की कहानी उसकी अपनी जबानी। बस माँ बाप ने गाली दी इसलिए बोल कर आ गया। कुकड़ी वो कह रहे हैं कंजर हैं तो कुत्ते हैं वगैरह रहते हैं दल्ला हैं वैसे बोलते हैं। मैंने कार छोड़ दिया इधर आ गया। इधर कैसे आया? बॉर्डर क्रॉस करके। कैसे क्रॉस किया? किसी कंपनी ने पता लगा इधर टाड़ी आर्मी जो है उसको पता लगा। उसको मैंने आके आवाज दी मैंने इधर आना है। उसने बोला इधर बैठ जाओ। पूरा घंटा बैठा हूँ फिर कैंट के बाद इधर ले आया। खाना भी खिलाया फिर आठ के मुझे लेके गए हैं। कहता सौका ही ना है अपने कैंट पर ले गए हैं। उतर फिर मेरे पूछताछ करते रहे फिर रात 3 बजे फिर इधर लेके आए हैं। फिर इधर मेडिकल कराए हैं डॉक्टर के पास सरकारी थे उसके उन्हें मेडिकल किए हैं। मेडिकल करके फिर थाने दिए थे फिर इन्होंने पूछताछ की है। बस तेनू पता सी भी इधर बढ़िया माहौल है हिंदुस्तान च? पहले नहीं पता सी हुन पता लग गया। हुन पता लग गया नहीं हुन तेनू इत्थे आके किवें लग गया? हुन इत्थे आके इंज लग गया जिस पुलिस ने पता इन्हें मारिया नहीं है इन्हें हाथ नहीं लाया सिर्फ सवाल जवाब करते रहे। सवाल जवाब तो हर इंसान कर लेता है। इन्होंने सवाल जवाब किए हैं लेकिन मैंने जो बताया सच बताया। वापस नहीं जाना चाहता। क्यों? बस माँ बाप ने घर से निकाल दिया। जब माँ बाप बोलेगा तो आएंगे। कोई बात नहीं। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहां जंगल में आग लगाकर टिकटॉक वीडियो बनाने का केस टिकटॉकर नौशीन सईद उर्फ डॉली की जमानत मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या कोई शवाहद मौजूद हैं कि आग डॉली ने लगाई, आग लगाने से दरख्तों का कितनी मालियत का नुकसान हुआ। पुलिस का कहना था कि अभी तखमीना लगाया जा रहा है जल्द रिपोर्ट जमा करवा दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से, जहाँ फ्लोट के जरिए ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के मुतलिक आगाही मुहिम का आगाज कर दिया गया है। आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान की खसूसी हिदायत पर इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने मुनफरद अंदाज अपनाते हुए वफाकी दारुल हुकूमत के शहरी को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस का खसूसी फ्लोट इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मार्केटों शराहों और दीगर अहम मकामात पर रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन के मुतालिक आगाही फराम करने में मसरूफ अमल है। फ्लोट पर नसब SMD स्क्रीन के जरिए बड़ी तादाद में शहरियों को F6 F7 और F10 में आगाही फराम की गई। इस सिलसिले में SSP ट्रैफिक सैयद मुस्तफा तनवीर ने एजुकेशन विंग को खसूसी हिदायत जारी कर रखी है। SSP ट्रैफिक ने शहरियों से अपील की कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी ट्रैफिक पुलिस से तावन करें ताकि खुद को और दूसरों को हादसात से महफूज रख सकें।